सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने जीवन बीमा पॉलिसीज यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज से जुड़े टैक्स के नियमों पर नई गाइडलाइंस जारी की है। इस साल पेश बजट में ये कहा गया था कि अगर जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है, मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री नहीं होगा। नए नियम के दायरे में सिर्फ 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी की गई पॉलिसीज आएंगी। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज इस नियम के दायरे में नहीं आएंगी। यूएलआईपीएस के मैच्योरिटी अमाउंट के टैक्स के नियमों में पिछले साल ही बदलाव किया जा चुका है। इसके मुताबिक अगर यूलिप का प्रीमियम एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा रहता है तो मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स के दायरे में आएगा। यह नियम 1 फरवरी 2022 से लागू हो चुका है। सीबीडीटी ने गाइडलाइंस में कहा है कि अगर किसी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम बीते सालों में 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स चुकाना होगा। अगर किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा पॉलिसीज है और अलग अलग पॉलिसीज का पिछले सालों में चुकाया गया कुल प्रीमियम सालाना 5 लाख रुपए से ज्यादा रहता है तो सभी पॉलिसी के मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स चुकाना होगा। मैच्योरिटी अमाउंट को दूसरे स्रोत से आय माना जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर पॉलिसी होल्डर की मौत हो जाती है तो प्रीमियम अमाउंट 5 लाख रुपए से ज्यादा होने पर भी मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। सीबीडीटी ने उदाहरण के साथ नए नियम स्पष्ट करने की कोशिश की है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास ए, बी, सी और डी 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है। एक का सालाना प्रीमियम 4.5 लाख रुपए है, बी का सालाना प्रीमियम 1 लाख रुपए है, सी का सालाना प्रीमियम 1.5 लाख रुपए है, डी का सालाना प्रीमियम 6 लाख रुपए है। ऐसे में पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि इसका सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपए से कम है, लेकिन बी, सी और डी के मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स लगेगा क्योंकि इन तीनों पॉलिसी का कुल प्रीमियम एक साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा है। सीबीडीटी ने यह भी कहा है कि टैक्स के लिहाज से प्रीमियम में जीएसटी का हिस्सा शामिल नहीं होगा। एलआईसी पॉलिसी के मैच्योरिटी अमाउंट पर पॉलिसी होल्डर्स के स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। इसका मतलब है कि ज्यादा इनकम ब्रैकेट में आने वाले लोगों को मैच्योरिटी अमाउंट पर ज्यादा टैक्स देना होगा, कम इनकम ब्रैकेट में आने वाले लोगों को कम टैक्स देना होगा।